मुनगा, सुरजना या सहजन कुपोषण दूर करने में एक महत्वपूर्ण पौधा है। अफ्रीकन देशों में इसे माताओं का सबसे अच्छा दोस्त और पश्चिमी देशों में इसे न्यूट्रिशन डायनामाइट के नाम से जाना जाता है। 100 से भी अधिक तरीकों से इसका उपयोग पोषण के लिए होता है। मुनगे की फली से जहां स्वादिष्ट सब्जी बनती है, तो वहीं इसे सेक कर खाने से यह मूंगफली जैसा स्वाद देता है। मुनगे के बीज से तेल, छाल, पत्ती, गोंद और जड़ से आयुर्वेदिक दवाइयां और तने, फूल, पत्ती से खाद्य तेल मिलता है। मुनगा 300 से भी अधिक बीमारियों के उपचार में काम आता है। 100 ग्राम मुनगे की पत्तियों में दही से 9 गुना अधिक प्रोटीन, संतरे से 7 गुना अधिक विटामिन सी, गाजर से 4 गुना अधिक विटामिन ए, केले से 15 गुना पोटेशियम, पालक से 25 गुना आयरन और दूध से 17 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। मुनगे के बीज के चूर्ण से पानी शुद्ध किया जा सकता है। इस तरह मुनगा आज के युग की संजीवनी बूटी है। मुनगे की पत्तियां शिशु और बढ़ते बच्चों के लिए टॉनिक के समान है। इसके पत्तियों के 25 ग्राम चूर्ण से बच्चों को 42% प्रोटीन, 125% कैल्शियम, 6% मैग्नीशियम, 74% आयरन, 41% पोटेशियम, 272% विटामिन ए और 22% विटामिन सी की पूर्ति होती है। इसकी पत्तियों का रस बच्चों को दूध में मिलाकर देने से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती है। महिलाओं को मुनगे से कैल्शियम, विटामिन, आयरन और अमीनो अम्ल मिलता है। मुनगे की पत्तियों का रस गर्भवती माताओं को प्रसव पीड़ा से राहत देता है और इससे माताओं में दूध का स्राव भी अधिक बढ़ जाता है। मुनगे को लगाने के लिए ताजे बीजों को रात भर पानी में भिगोएं। खाद और बालू रेत मिली 8x4 की पॉलीथिन बैग में 2 बीज प्रति बैग के अनुसार 1 से 2 इंच की गहराई में बीज को लगाएं। 1 माह बाद पौधों को 1.5x1.5 के गड्ढे में लगाएं और हल्की सिंचाई करें। 6 माह बाद ये पौधा फल देने लगता है। मुनगे की पत्तियां भी बहुत लाभदायक है। इसे भंडारित भी किया जा सकता है। सर्वप्रथम इसे पेड़ से तोड़ें, छाया में सुखाएं, कूटकर बारीक करें, फिर इसे छान लें और फिर आप इस चूर्ण को सब्जी में मसाले के रूप में काढ़ा बनाकर या फिर इसे रोटी के आटे में गूंथकर आप उपयोग कर सकते हैं। और तो और आप इसकी चूर्ण को THR की पाउडर में मिलाकर लड्डू और चक्की भी बना सकते हैं और साथ ही डाइट चार्ट के माध्यम से ये बता सकते हैं कि किस वजन के बच्चे को कितनी मात्रा में मुनगे का पाउडर देना है। सागर संभाग से कुपोषण दूर करने में मुनगा एक महत्वपूर्ण हथियार है। आइए कुपोषण की इस लड़ाई में हम सभी शामिल हों एवं माता और बच्चों के स्वास्थ्य को उत्तम और निरोगी बनाने में अपना योगदान दें।